कल से समर वेकेशन चालू, अब तो मैं घर पे खूब मस्ती करूंगी। अब तो मैं डेली सुबह लेट से उठूंगी और उठते साथ ही शिमशान देखने लग जाऊंगी। पर नहीं यार, मम्मी तो घुमाने के नाम पे नानी घर ले जाती है हर साल। मेरे सारे दोस्त स्विट्जरलैंड पेरिस जाते हैं और मैं छपरा। वैसे ठीक ही है, नानी से पैसे मिल जाते हैं। मम्मी तो मेरी सिर्फ दो तीन कपड़े ले जाती है नानी घर, फिर इतना सामान क्यों हो जाता है? पर मम्मी तो वहाँ पे भी हॉलीडे उमक ले जाती है मेरा। हाँ पर मासी अच्छी है, मेरा सारा प्रोजेक्ट कर देती है। पापा तो इतने प्यार से छोड़ने जाते हैं, उनको तो पता भी नहीं है सब उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। सोच रही इस बार रिकॉर्ड करके रख लूंगी। पर मम्मी बोलती है इधर का बात उधर नहीं बताने, वरना फालतू में मुझे ही मार पड़ जाएगी। मम्मी घर पे हर बार बोलती है कि नानी की याद आ रही है, नानी की याद आ रही है। फिर वहाँ जाते नानी के साथ लड़ने क्यों लग जाती है? हर बार मम्मी नानी को बोलती है कि अगले साल से कभी नहीं आऊंगी, फिर मुंह उठा के चल जाती है। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हर बार हमारे जाते मामा मामी की लड़ाई शुरू क्यों हो जाती है। मम्मी तो पापा से हमेशा मामी की बुराई करते रहती है, फिर भी हर साल उनके लिए इतने गिफ्ट क्यों लेके जाती है? अभी से मम्मी घर का राशन बचाना शुरू कर देगी। मुझे नहीं पता है क्या सब भर भर के लेके जाती है। हर बार मामा मेरे से पूछते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, और जब बोलती है तो कुछ लाके नहीं देते। चलो हटाओ, इतना सोच के क्या फायदा, मम्मी तो फिर भी लेके जाएगी।